हेलो मेरे दोस्तों, ये बात है कुछ महीनों पहले की, जब मैं हमारे एक क्लाइंट गौतम अरोरा जी से उनके कपड़ों के मुंबई वाले शोरूम में मिला। हर क्वार्टर में उसके करोड़ों रुपए का रेवेन्यू होता है, लेकिन फिर भी गौतम अच्छी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाए थे। गौतम के शोरूम का रेवेन्यू तो बहुत होता था, लेकिन उसमें से वो कुछ सेव नहीं कर पाते थे। उनका एनुअल प्रॉफिट बहुत ही कम होता था और गौतम टैक्स भी बहुत ज्यादा पे करते थे। इसके अलावा गौतम की दुकान में 5 हेल्प होने के बाद भी गौतम खुद दुकान का मैक्सिमम काम करते थे। वो फाइनेंशियली और मेंटली दोनों ही तरह से खुद को रिस्ट्रिक्टेड महसूस करते थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर वो सच में एक बिजनेसमैन है भी या नहीं। गौतम मुझसे इसी बारे में कंसल्ट करना चाहते थे। मैंने गौतम को समझाया कि उनके पास अच्छे रिसोर्सेज है, अच्छी इनकम भी है, लेकिन गौतम को उन्हें सही से इस्तेमाल करना नहीं आता है। गौतम की असल प्रॉब्लम उनके पैसों के बारे में लिमिटेड नॉलेज की थी। मैंने गौतम को 4 मनी रूल्स के बारे में बताया ताकि वो अपने सभी रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल कर सके और फाइनेंशियली फ्री हो पाए। आज मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो में वही 4 रूल्स ऑफ मनी के बारे में बताऊंगा। और शुरू करें उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ पर्सनल फाइनेंस कोच, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका 1 पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड consultation on personal finance. Rule number 1, do not work for money, let money work for you. आपने काफी books में या videos में don't work for money, let money work for you इस statement को तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको समझाता हूँ कि exactly इसका क्या मतलब होता है। क्या आप जानते हो कि एक middle class और गरीब इंसान हमेशा ना पैसों के पीछे भागता है और पैसों के लिए काम करता है, लेकिन एक अमीर इंसान कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागता, बल्कि वो पैसों से अपना काम करवाता है। आपको ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसे बहुत ही कम लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। जब आप कोई जॉब करते हो ना, तो उसमें आपको सैलरी मिलती रहती है, लेकिन वहीं अगर आप किसी मंथ में कोई छुट्टी ले लेते हो तो उसके पैसे कट जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप आज जॉब छोड़ देते हो तो आपको सैलरी मिलना भी बंद हो जाएगी। एक मिडिल क्लास इंसान रोज सुबह उठता है, पूरा दिन पैसों के लिए ऑफिस में काम करता रहता है, जिसके बाद अगले दिन वो फिर से उसी प्रोसेस को फॉलो करता है। एक मिडिल क्लास इंसान सारी जिंदगी इसी सर्कल में घूमते रहता है और कभी भी फाइनेंशियली आजाद या स्टेबल नहीं हो पाता है। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग हमेशा ऐसा बिजनेस करते हैं जिसके काम के लिए वो हमेशा मौजूद हो या ना हो, उन्हें उससे पैसे मिलते रहते हैं। जैसे एक CA फर्म में कोई भी CA खुद सभी क्लाइंट्स की इनकम टैक्स रिटर्न्स चेक नहीं करता है, बल्कि उसके अंडर काम करने वाले लोग सारा काम करते हैं और CA सिर्फ उन पेपर्स पर अपनी स्टैम्प और सिग्नेचर करता है और पूरी फी एक बार में ले लेता है, और उसके नीचे एक्चुअल काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स को मंथली सैलरी दे देता है। अमीर लोग हमेशा पैसों को कंट्रोल और मैनेज करने का पर्सपेक्टिव रखते हैं। जब तक आप पैसों को लेकर अपने नजरिए को नहीं बदलोगे, तब तक आप पैसों के पीछे भागते रहोगे। आपको पैसों को फ्लो कॉन्सेप्ट की जगह स्टॉक कॉन्सेप्ट से समझना होगा। आपको अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बीच का फर्क समझना होगा। जैसे एक मिडिल क्लास इंसान क्रेडिट कार्ड को एक अपॉर्चुनिटी समझता है, क्योंकि उन्हें लगता है इससे उन्हें लिक्विडिटी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग क्रेडिट कार्ड को थ्रेट समझते हैं, क्योंकि इससे लिक्विडिटी तो मिल जाती है, लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, इसमें हिडन चार्जेस और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी ट्रिकी होती है, जो क्रेडिट कार्ड को एक बुरा ऑप्शन भी बनाता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अगर किसी स्टॉक के प्राइस कम हो जाते हैं तो एक मिडिल क्लास इंसान उसे थ्रेट समझकर स्टॉक्स को बेचना शुरू कर देता है, जिससे उसे बहुत कम और कई बार तो कोई प्रॉफिट नहीं होता है। वहीं अमीर इंसान स्टॉक के प्राइस कम होने पर उससे और ज्यादा क्वांटिटी में खरीद कर स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करता है, ताकि कम कॉस्ट में खरीद कर फ्यूचर में ज्यादा पैसों में उन स्टॉक्स को बेच सके। इसीलिए आपको पैसों के लिए काम करने के बजाय पैसों से अपना काम करवाना सीखना होगा। रूल नंबर 2, फाइनेंशियल नॉलेज। फाइनेंशियल नॉलेज एक बहुत ही एक्सक्लूसिव टर्म है, जिसके अंदर आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों की बातें शामिल होती है। क्या आपने अपने स्कूल में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा था जिसमें फाइनेंस के बारे में बताया गया हो? आपने ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा। इंडिया में सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही अमीर और फाइनेंशियली फ्री है, बाकी सब तो रोज पैसे अर्न करने की रेस
में दौड़ते रहते हैं। अमीर और गरीब के बीच का ये प्रोपोर्शन इतना अलग इसीलिए है क्योंकि हमें कभी स्कूल में फाइनेंशियल नॉलेज दी ही नहीं गई थी। हमारे स्कूल्स और कॉलेज में आज तक हमें सिर्फ एक अच्छा एम्प्लॉय बनने के बारे में सिखाया जाता है। अगर आप मेरे क्लाइंट गौतम का केस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनको सारी परेशानी फाइनेंशियल नॉलेज ना होने के वजह से हो रही थी। आप कितने पैसे कमाते हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप कितने पैसों को बचाते हो और उन्हें कैसे मैनेज या कंट्रोल करते हो। सकता है कि आप मंथली 90,000 रुपीज कमाते हो जिसमें से 25,000 रुपीज आप फ्लैट का रेंट दे देते हो, 15,000 रुपीज आप कार की ईएमआई दे देते हो, मंथली आपको 20-25,000 रुपीज क्रेडिट कार्ड का बिल देना होता है, इसके अलावा 15,000 रुपीज आप ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर देते हो और बाकी 10,000 रुपीज से आप अपना पर्सनल खर्चा करते हो। अब इन 90,000 रुपीज में से आपके पास कुछ भी नहीं बचता है जिसे आप कहीं भी इन्वेस्ट कर पाओ। फिर ऐसे 90,000 रुपीज कमाने का फायदा क्या हुआ? जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपको अपनी 90,000 रुपीज सैलरी को कैसे मैनेज करना है, आप कितना भी अर्न क्यों ना कर लो, आप कभी भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाओगे। एक रिच आदमी की सबसे ज्यादा इनकम उसके एसेट्स से होती है, जैसे किसी प्रॉपर्टी का रेंट या बिजनेस से मिलने वाला प्रॉफिट। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप टाइम टू टाइम अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते रहो। इसके लिए आप कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, न्यूज़पेपर्स, टीवी शो और फाइनेंशियल प्लानर्स की मदद भी ले सकते हो। और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप भी अर्ली रिटायरमेंट, वेकेशंस, घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन जैसे पर्सनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं और अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए नंबर पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। रूल नंबर 3, कॉन्कर योर फियर्स। इस दुनिया की सबसे खतरनाक चीज किसी भी तरह का डर होता है। आप जिस भी चीज को लेकर डर रहे हो वो चीज खतरनाक हो या ना हो, लेकिन उसको लेकर आपका डर आपको हमेशा गलत जगह ही लेकर जाता है। इसके अलावा जब बात पैसों की होती है तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको डर ना लगता हो। अमीर वही लोग बनते हैं जो अपने इस डर से जीत जाते हैं। जब तक आप कोई रिस्क नहीं लोगे तब तक आप अपने उस डर से छुटकारा नहीं पा सकते हो। इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल एग्जाम्स की तरह होती है। आपको एग्जाम देने से पहले बहुत डर लगता है, लेकिन पेपर देने और रिजल्ट्स आने के बाद आप खुद सैटिस्फाइड और खुश फील करते हो। डर को ओवरकम करने के लिए कोई भी ट्रिक या शॉर्टकट नहीं होता है। आपको अपने डर के उस रिस्क को उड़ाना ही पड़ेगा, तब ही आप उसे ओवरकम कर पाओगे। जब तक आप किसी दरवाजे को खोलोगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि उसके पीछे कोई सुंदर गार्डन है या कोई गहरी खाई है। डर के ऊपर एक बहुत ही फेमस कहावत है कि एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन बट नो वन वांट्स टू डाई। मतलब अमीर तो भाई सबको पता है, लेकिन रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। मान लीजिए आप शेयर मार्केट में पहली बार 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो इस सिचुएशन में आपको अपने माइंड को ये कहकर प्रिपेयर करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे ये 50,000 रुपए डूब जाएंगे बस। इसके साथ ही ये भी हो सकता है कि आपको इन 50,000 रुपयों से प्रॉफिट भी मिल जाए। अगर आप ध्यान से सोचो, आपके पेरेंट्स भी एक तरह से आपके ऊपर रिस्क ही लेते हैं। वो आपको बचपन से पढ़ाते हैं ताकि आप फ्यूचर में कुछ बन जाओ। अब फ्यूचर में आप कुछ बनते हो या नहीं इसकी तो 50-50 पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी वो ये रिस्क तो लेते हैं ना। आपको एक बात बता दूं, सक्सेस एक ऐसी मंजिल है जिसकी सीढ़ियां फेलियर से बनी हुई होती है। क्या आप पहली बार में बाइक चलाना सीख गए थे? नहीं ना, लेकिन आपने फिर भी अपनी जान का रिस्क लेकर बाइक को चलाना सीखा और आपने अपने उस डर को ओवरकम किया। इसी तरह से आपको अपने डर को हराने के लिए रिस्क लेना ही पड़ेगा। मैं आपको एक वेब सीरीज का फेमस डायलॉग बताता हूँ। स्कैम 1992 में हर्षद मेहता कहते हैं, रिस्क है तो इश्क है। एक बार आप रिस्क लेना सीख जाओ तो आपको सही फैसले लेना भी आ जाएगा। रूल नंबर 4, रिस्क इज नॉट यूनिवर्सल। किसी भी इंसान को डर इसीलिए लगता है क्योंकि उसमें रिस्क होता है, लेकिन क्या रिस्क हर चीज में होता है? इसका जवाब हाँ और ना दोनों है, क्योंकि रिस्क की प्रोबेबिलिटी आपके अपने माइंड सेट से भी इफेक्ट होती है। इसीलिए रिस्क को लेकर आपका माइंड सेट बहुत मैटर करता है। एक मिडिल क्लास अक्सर रिस्क को कम करने के वजह से फिक्स डिपॉजिट या गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे PPF, EPF या पोस्ट ऑफिस स्कीम में अपने सारे पैसे निवेश करता है। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग FD या गवर्नमेंट स्कीम्स में तो पैसे निवेश करते ही है, लेकिन वो इन्फ्लेशन और टैक्स के रिस्क को भी समझते हैं।
वो एसेट एलोकेशन करते हैं और इन्वर्सली रिलेटेड एसेट्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। वो इन्फ्लेशन और टैक्स के रिस्क को मैनेज करना अच्छे से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब कोविड हुआ था या वॉर होता है तो स्टॉक मार्केट गिर जाता है लेकिन गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है, या फिर जब इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस होते हैं तो रियल एस्टेट का दाम बढ़ता है और गोल्ड का प्राइस रिड्यूस होता है। चलिए मैं आपको ये एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। हमारे क्लाइंट गौतम अपनी सारी पर्सनल वेल्थ फिक्स्ड डिपॉजिट में रखते हैं। फिलहाल उनके पास 1 करोड़ की फिक्स्ड डिपॉजिट तो है जिसकी मैच्योरिटी 7% के हिसाब से 10 सालों बाद 1,96,00,000 रुपीज होगी और उन्हें लग रहा है कि पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन 7% के इंटरेस्ट रेट पर वो 30% का टैक्स भरते हैं और 7% का तो इन्फ्लेशन भी है, विच मीन्स कि 7% में से 30% निकाल दे तो बचता है 5%, और अब 7% इन्फ्लेशन निकाल दे तो बनता है -2%। इन रियलिटी उनके पैसों की परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन के कारण रिड्यूस हो रही है और टैक्स पे करने के कारण तो नेगेटिव में जा रही है, प्लस वो टैक्स भी ज्यादा पे कर रहे हैं। अब यही अमाउंट अगर वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स या बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचुअल फंड्स में 10% रिटर्न के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो 10 बरस बाद उनकी फाइनल वैल्यू 2,56,00,000 रुपीज बनेगी और उन्हें 30% के टैक्स की जगह 10% का टैक्स ही देना होगा। और अमीर इन बातों को समझते हैं। मेरे क्लाइंट गौतम पैसों के लिए काम कर रहे थे, उनके पास अच्छी इनकम तो थी लेकिन उनके पास फाइनेंस की अच्छी नॉलेज नहीं थी। इसी के साथ साथ वो रिस्क लेने से भी डरते थे। यही वजह थी कि वो अच्छी इनकम के बावजूद भी अच्छी वेल्थ नहीं बना पा रहे थे। आपका भी पैसों के ऐसे काफी सारे रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप पैसों के रूल्स और उससे जुड़े कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझोगे तब तक आप अपने डर को ओवरकम नहीं कर पाओगे। अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए नंबर पर या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।